हेलो वेलकम, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को एज ए वायरलेस माइक या फिर एज ए यूएसबी माइक या फिर एज ए ब्लूटूथ माइक कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए अपने मोबाइल को एज ए माइक यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास तीन ऑप्शन होगा, एक वाईफाई के जरिए, एक ब्लूटूथ के जरिए, एक यूएसबी के जरिए। तो आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल को एज ए माइक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन सा माइक यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, आप कौन सा माइक खरीद सकते हैं, आपके लिए कौन सा जो माइक है वो बेस्ट होगा और बेस्ट कंपनी कौन कौन सी है, इन सब के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप माइक से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। खैर चलिए, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी। प्ले स्टोर ओपन कीजिए और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप सर्च कीजिए वू माइक, डब्ल्यू ओ आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा, वो माइक। आप इसका लोगो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक दी हुई है, उस लिंक को फॉलो करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो माइक आपको एक सॉफ्टवेयर एक्चुअली अपने पीसी में भी डाउनलोड करना होगा, तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी काफ़ी पॉपुलर नहीं है, काफ़ी नया एप्लीकेशन है, बट काफ़ी यूज़फुल है। मैंने इसे यूज़ किया और इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो सिंपली मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उलझा हुआ नहीं है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई भी अकाउंट बनाने की या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स यहाँ पे नहीं है। अगर चलते हैं हम लोग सिंपली सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कनेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट, यूएसबी, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। यहाँ पे तीन ऑप्शन है। मैं फॉर एग्जांपल यूएसबी के जरिए कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल पोर्ट एंड मीडिया पोर्ट, यहाँ पे कुछ नंबर है, उसे आपको हो सकता है अपने कंप्यूटर में जो जो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे उसमें हो सकता है डालने की ज़रूरत हो, क्योंकि मे बी कई बार ये डिफरेंट होता है पोर्ट उसमें। खैर आप चलिए देख लेते हैं अपने कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आते हैं लिंक की डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे विंडोज़ के लिए आपको दो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक क्लाइंट फाइल और एक जो है ड्राइवर फाइल। तो मैंने ऑलरेडी दोनों डाउनलोड किया हुआ है। हो सकता है ड्राइवर आप इंस्टॉल जब करेंगे तब आपको अपने सिस्टम को रीबूट करना होगा, तो आप पहले रीबूट कर लीजिएगा। खैर मैं चलिए डायरेक्ट जो है ये एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, आप दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 MB की फाइल होगी आई थिंक, एंड देन पहले मैं सब कुछ मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कनेक्शन का एक ऑप्शन है, कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे तीन ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यूएसबी के ज़रिए अगर मैं कनेक्ट करूँगा तो चलिए मैं अपने मोबाइल में यूएसबी कनेक्ट करता हूँ। ओके, यूएसबी मैंने कनेक्ट कर दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में, एंड एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड टच टू स्टॉप। ओके, हमारा ये स्टार्ट हो गया। एंड अब क्या कीजिए, यहाँ से सिंपली ओके प्रेस कीजिए एंड ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब चलिए मैं आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वू माइक इंक्लूड हो गया है और इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं मोबाइल के करीब बोलता हूँ ये ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए दो ड्राइवर एक्चुअली इसमें इंक्लूड हो गया है, दो माइक यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, वू माइक डिवाइस एंड वू माइक डिवाइस, ये भी दो चीज़ें। अब चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग करके एक्चुअली दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया, पहले ये नहीं था। ओके, अगर मैं यहाँ पे ओडेसिटी ओपन करता हूँ जो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं माइक के अंदर यहाँ पे दो डिवाइस, वो माइक एंड टू वो माइक। तो यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो इंटरनल माइक है वो चीज़ है दो, और यहाँ पे वो माइक आ गया। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिंपली अगर मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि रिकॉर्डिंग हमारा होना शुरू हो गया। तो अगर आपको ओडेसिटी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है कि इसमें नॉइस वगैरह कैसे रिड्यूस करते हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक दी हुई है। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान, मुझे लगता है आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग, मैं यहाँ पर इसे स्टॉप कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया कनेक्शन अबॉर्टेड एंड यू वांट टू कनेक्ट, मैं नहीं करना चाहता। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली सेटिंग्स में जाइए और कंट्रोल पोर्ट जो है ना, मीडिया पोर्ट, इसकी सेटिंग्स कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में जाने के बाद पोर्ट्स
एंड यहाँ पे देख लीजिए कि जो सेम नंबर है ना, वो चीज़ें जो यहाँ पे कंट्रोल पोर्ट एंड मीडिया पोर्ट में है, 8125 एंड 8126 दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पे नंबर है, दोनों दोनों नंबर यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, मुझे लगता है उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। तो है ना, बहुत ही सिंपल और आसान, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो माइक डाउनलोड कीजिए, उसका क्लाइंट एंड ड्राइवर अपने पीसी में डाउनलोड कीजिए, और एज ए वायरलेस यूएसबी या फिर ब्लूटूथ माइक यूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।